हेलो पीपल, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस कोविड के मौसम में बहुत स्वस्थ है। एक चीज तो सही है, हम लोग के जीवन में एक नया मौसम आ चुका है जिसका नाम है कोविड या कोरोना, कुछ भी कह लो आप, है ना। इस साल तो हो गया, अगले साल हम लोग फिर से मनाएंगे। चुक सपाट। आई होप मेरा लास्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा जो मैं बैंगलोर से कोलकाता ट्रैवल करते वक्त बनाया, जितना हो सके मैंने कवर किया। इस साल दिसंबर उस ट्रिप के बाद मैं प्लान कर रहा था हिमाचल जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। रीज़न बीइंग मेरे पास वैसे लोग नहीं थे जो जा सके। मैं सोच रहा था मैं अपर हिमाचल और नीचे पूरा कवर करूंगा कंप्लीट। कोई नहीं, हम लोग जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन में और हियर वी आर। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। ये ट्रिप का डेस्टिनेशन एक सरप्राइज है हम लोग के लिए, वो एक हिंट दे देता हूँ। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पिक इन इंडिया, इट आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट पिक इन द एंटायर वर्ल्ड। इस ऑल्टीट्यूड में रोडवेज भी है। चलिए और एक हिंट देता हूँ, इस पीक में एक लेक है और ये लेक ओनली इन इंडिया में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा, अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट करके एक बार बताइए। अब हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड का बात आया है तो आप, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं भी एक बहुत बड़ा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में रहता हूँ, आई मीन नॉट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड बट एक अच्छा ऑल्टीट्यूड में रहता हूँ। होल्ड ऑन, मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये वो देखो, दिख रहा है आप लोगों को कुछ? वो देखो, वो देखो, ये रेंज दिख रहा है आपको? इसी रेंज की बात कर रहा था मैं। सोच रहे हो आप मैं कहाँ पे रहता हूँ? चले मैं आपको और ऊपर से दिखाता हूँ। ओ देखो, दिख रहा है आपको? ये है मेरे घर के पीछे और मैं इसी एरिया में रहता हूँ। ये है मेरा घर का ऑल्टीट्यूड। अगर आप लोगों को समझ आ गया ये क्या है तो एक बार कमेंट करके बताइए। और अगर नहीं समझ आए तो सरप्राइज में रहिए, मैं जरूर रिवील करूंगा, एक ना एक दिन तो मैं रिवील करूंगा। ये सीक्रेट है मेरे घर के बिहाइंड में। देखिए एक चीज तो है, एक है नॉर्थ में कंचनजंगा जो सबको पता है, और एक है मेरे घर के पीछे कंचनजंगा जो बस मुझे पता है और मेरे दोस्तों को पता है। इस ट्रिप के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और इस बहुत बड़ी कहानी को मैं छोटा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम लोग जाने वाले थे दिसंबर में हिमाचल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो एरिया में कोविड के लिए अभी अलाउ नहीं कर रहा। बट फॉर्चुनेटली आज है 28 नवंबर और आज ही के दिन वहाँ की टूरिस्ट मिनिस्टर ने अलाउ कर दिया फॉर पब्लिक टूरिस्ट, नॉर्मल टूरिस्ट की आप जा सकते हो, घूम सकते हो और मज़े कर सकते हो। तो फाइनली वी आर गोइंग। मेरे एक दोस्त का दोस्त रहता है वहाँ पे उस लोकेशन में, उसने मुझे बहुत सारी मदद किया, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया जो मार्केट में या नॉन पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं था। ये जो ट्रिप है, इस ट्रिप का जो डेस्टिनेशन है, ये मैं रिवील करूँगा सबसे पहले इंस्टाग्राम में। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया है तो ये यूज़र नेम जाके फॉलो कीजिए,
दूसरी बात यह है कि आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल में, वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया था जस्ट ऐसे ही, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लाइक्स या फॉलोअर्स आ जाएंगे, बट मेरा मोटो उसके पीछे ये था कि आप मेरे पेज से होते हुए मेरे यूट्यूब चैनल में जाओ, उसे सब्सक्राइब करो, हो गया। मेरे यूट्यूब चैनल में लोग नहीं आ पाए जितना मेरे फेसबुक पेज में आ गए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग आएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं चला शॉपिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे लगभग -6 -10 का टेम्परेचर आ रहा है अभी फिलहाल करेंट सिचुएशन। तो हो गया मैं रेडी, चला मैं डिकैथलॉन, आप लोगों को दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाने, क्योंकि गाड़ी भी मुझे चलाना है और ये भी करना है तो बहुत मुश्किल होता है। बोलो मेरे भाई, क्या हाल है आपका? ये भी सही है भाई, नीचे पूरा एक बार सोफिस्टिकेटेड क्रिकेट क्रिकेट प्लेयर लग तो की जाया से मास्क पहन के रहो। और ये हमारे दोस्त लोग जो जंगल सफारी में जाएंगे, वो मेरा टोपी है मेरे भाई, मेरा टोपी, मालिक का टोपी, मालिक का दे दो मालिक, है विकेट अंपायर भाई। ए साहब जरा चेहरा तो दिखाओ अपना। ओ नहीं भाई भाई, ऐसा ही मत किया करो। सही है भाई, तेरा ही जलवा है भाई, हम लोग तो उसके बैठे। चलेंगे इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। पीस आउट।